2020 को हमारे मतलौटा थाना में एक सूचना प्राप्त हुई। मिस्टर श्रीकांत हैं, एमआरएल कंपनी है, जो आप जानते हैं कि रिफाइनरी में छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी काम करती हैं। तो एमआरएल कंपनी के साइट मैनेजर हैं ये, इन्होंने कंप्लेंट करी कि भाई उनके पास एक काम करता था लड़का अरुण कालीरमन नाम का, और उसको अंदर की बातें पता थी। तो वो लोग किसी को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसे देते थे, जो लोडिंग होती थी वहाँ पर 50 पैसे प्रति टन के हिसाब से किसी को लोड प्रोटेक्शन मनी देते थे कि भाई ये आप लेबर का हम ध्यान रखेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर उनको ये प्रोटेक्शन मनी नहीं देते तो वो लोग उनकी लेबर को भगा देते हैं मारपीट के, तो वो कंपनियाँ फिर परेशान हो जाती हैं। तो ये लोग इस बात का बहाना बना के उनसे पैसे हटते हैं। तो ये जो लड़का था इसका, अरुण कालीरमन जो काम करता था, उसको इस बात का पता था। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये काम कर लूँ और मैं इनको इनसे प्रोटेक्शन मनी या मंथली के तौर पर एक प्रोटेक्शन मनी इनसे ले लूँ। तो उसने अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया, अंकित को, और उसको बुलाया और अपने एक दो दोस्त को और बुलाया जिनको गिरफ्तार किया, अभी मैं नाम बताऊँगा आपको। तो उनको बुला के उन्होंने एक योजना बनाई कि ये जो साइट मैनेजर है ये सारा काम करता है, तो क्यों ना हम इसको रा धमका के और इसको ये कमीशन हम लें, जो प्रोटेक्शन मनी कोई और लेता है 50 पैसे प्रति टन के हिसाब से, हम इससे ज़्यादा लें और हम लें, किसी और को ना जाने दें। तो ये योजना बना के उन्होंने फरवरी महीने में 4/2 को इसको, साइट मैनेजर है इसको, इसकी स्कूटी के आगे गाड़ी अड़ा के इसको उठा लिया और 13-17 सेक्टर में कोई ऑफिस उन्होंने बना रखा था उसमें लेके आए, उसके साथ मारपीट की और उसको इस बात के लिए राजी कर लिया, एग्री कर लिया ज़बरदस्ती धक्के से, अपहरण करके मारपीट करके कि भी हम 1% आपको देंगे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, ये बेचारे बाहर के आदमी ये चले गए, और जब इसने देखा कि क्योंकि बाहर के लोग डरते हैं, कंप्लेंट नहीं करते थे, पहले केस में भी आपने देखा बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंप्लेंट की थी, तो उससे मोटिवेट हो गए कि उस कंपनी के मैनेजर ने जब कंप्लेंट कर दी तो हम भी कर सकते हैं, उससे मोटिवेट हो के ये बेचारा डरा हुआ था पहले, फिर इसने कंप्लेंट करी तो हमने FIR करके दो लड़के, जो पहला केस था रिफाइनरी वाला आपको अच्छे से ब्रीफ किया था मैंने, अरुण और अंकित ये पहले उस केस में भी थे, उनको अरेस्ट किया हुआ था, वो जेल में थे। तो दोनों उन लड़कों को और दो इनके साथी थे जोगिंदर और प्रवीण, जोगिंदर गांव कुंडल सोनीपत जिले का रहने वाला है और प्रवीण रायपुर जटन गांव का रहने वाला करनाल जिले का, ये दो नए शामिल किए इन्होंने, ये दो पुराने थे जो पहले केस में भी हैं। पहले दो को हमने प्रोटेक्शन वारंट पर कोर्ट से किया क्योंकि जेल में थे, और दो लड़के थे इनको सलोनी रोड से कल हमारी CID ने गिरफ्तार किया है, और इनसे जो सामने आप हथियार देख रहे हैं, एक राइफल 315 बोर की, एक 12 बोर की बंदूक है और एक 32 बोर का पिस्टल आप देख रहे हैं, ये इनसे बरामद किया गया है। और इनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है और इनको आज कोर्ट में पेश किया है। लाइसेंस ही असल है, ये लाइसेंस है। अभी और साथी भी इसमें है, नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और भी लोग हैं इसमें, उनको भी हम गिरफ्तार शीघ्र करें। पहले भी कब तक में चल जाए, वो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं इनका, प्रखंड इनके थाने लगते हैं, सोनीपत का है, करनाल का है, वो ऑन रिकॉर्ड आएगा सारा। अगर इनको पहले भी इस तरह की वारदात इन्होंने की है, स्कूटी कहाँ वारदात होगी, स्कूटी कहाँ आई इसमें, वो फिरना कहीं इसकी स्कूटी, जब ये अपने प्लांट से निकला तो वहीं निकलते ही एक वो, ये जो आदमी मैंने बताया जो काम करता है मानसा पीछा कर रहा था, तो वहीं निकलते ही थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे जाते ही गाड़ी अड़ा दी और वहीं से निकलवा दी। ये बात टाउनशिप में रहता है अधिकारी है, टाउनशिप कितनी मांगी थी सर मनी जी मैम? ₹1 प्रति टन। कितने ले चुके थे लगभग या डील हो गई? ये डील हो गई थी और बीच में लॉकडाउन आ गया तो सारे सिस्टम अभी सेटिंग का पूरा नहीं हो। मेन इनका कालीरमन है, हाँ इसमें मेन अरेस्ट हो गई, हाँ अरेस्ट हो। क्या पोस्ट थी इसकी कंपनी में वहाँ? ये सुपरवाइजर। मराठी गैंग से अलग है क्या जी? तो मिलते जुलते हैं, दो बंदे तो नहीं गए। अच्छा,
सुरेंद्र काला का भी नाम आया उसके गैंग का जो। हाँ, सुरेंद्र काला का भी जो नाम आया इसी किडनैपिंग में। इसी किडनैपिंग में नहीं, वो इससे वो इनको ओवर करना चाहते थे कि वो 50 पैसे प्रोटेक्शन मनी लेता था पर तरफ। ये एक उसका सुरेंद्र काला का नाम जो था उसमें एफ आई आर में उसे आया भी नहीं। नहीं, पहली कोई एफ आई आर 50 पैसे वाली करवाई है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर नाम आएगा तो सब मिल जाएगा। उसके भी बंदे पकड़े हैं सुरेंद्र काला के? हमने सारे मिले जुले हैं, सभी गुंडे हैं, सभी अंदर जाएंगे। आपने गिरफ्तारी हो तो बता दीजिए, तो वही बात करें तो अंदर तो जाएंगे, अगर गिरफ्तारी हुई है तो उन मामले में कोई से मामले में गिरफ्तारी पहले पहले जो पीसी मैंने की थी उसमें वो सारे गिरफ्तार हुए थे, 8 आदमी हुए थे, उसके बाद 3-4 फिर करेंगे। नहीं नहीं, 2 गैंग थे ना सर पहले वाले में। अच्छा, लाइसेंस ही मतलब लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल, तुरंत प्रभाव से कैंसिल।